आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP लेने के साथ साथ आपको क्या क्या लेना है, मतलब कि किस किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा आपको अगर आप अपने गांव में APS सर्विस देना चाहते हैं लोगों को बीच रह करके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इंडियन डिजिटल बैंकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप APS सर्विस ग्रामीण इलाके में देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए एक लापू सिम एयरटेल पेमेंट बैंक का, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP लेना चाहते हैं तो। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का लापू सिम कैसे लें, तो इस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP कैसे लें, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और यहां पे ये मानकर चल रहा हूं कि आपको मैं मतलब आपको जो है लापू सिम मिल चुका है और आप APS सर्विस देना चाहते हैं ग्रामीण इलाका में, तो आपको क्या क्या चाहिए APS सर्विस देने के लिए। तो सवाल नंबर सबसे पहले एक आता है कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप इस सर्विस को दे सकते हैं। दूसरा जो बात है कि आपके पास एक बायोमेट्रिक फिंगर मशीन होना चाहिए, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, मंत्रा हो, मर्फो हो या और दो तीन हैं, किसी भी कंपनी का एक आपके पास बायोमेट्रिक मशीन होना चाहिए। तीसरे नंबर की जो बात है, उस चीज़ की जो आवश्यकता है सबसे पास मतलब इम्पोर्टेंट है, वो है पैसा। जी हाँ, अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी आप APS सर्विस दे पाएंगे ग्रामीण इलाके में रह करके। अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो लोगों से पैसा जो विड्रॉल करेंगे आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा उसके बदले में आपको कुछ मतलब जो भी अमाउंट निकालते हैं, कुछ नहीं, जो भी अमाउंट आप निकालेंगे तो लोग उतना पैसा लोगों को चाहिए। मतलब अगर आप किसी के अकाउंट से 2000 रुपये निकालते हैं तो आपके पास 2000 रुपये देने के लिए होना चाहिए उस कस्टमर को। तो इस बिजनेस में सबसे पहले बात करेंगे कितना पैसा आपके पास होना चाहिए तो आप ऑलमोस्ट हैंडल कर सकते हैं इस कार्य को। तो मिनिमम मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा 20,000 रुपये आपके पास होने चाहिए, 20,000 कम से कम होने ही चाहिए। अगर आप शुरुआती आपके कदम है APS सर्विस में तो आपके पास 20,000 रुपये होने चाहिए। मैंने खुद 20,000 रुपये से इस बिजनेस को शुरू किया था और लगभग आज मेरे पास 50,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट हैं सर्कुलेशन में, मैं ये आज भी कार्य करता हूँ। तो आपके पास कम से कम कोशिश कीजिए कि 20,000 रुपये होने चाहिए शुरुआत के दौरान में, लोगों को पता चलेगा तभी आपके पास कस्टमर बढ़ेंगे। और ये एक न एक दिन आप ये ऐसा बिजनेस है, अगर आपके एरिया में कोई ये नहीं कार्य कर रहा है, अगर 1 किलोमीटर के दायरे में गांव में रहकर आपके ये कार्य करते हैं तो एक न एक दिन ये बिजनेस ग्रो होता ही होता है। तो मैं आपको फिर एक बार कहूँगा कि आपके पास शुरुआती कदम में अप्रॉक्सीमेट 20,000 मिनिमम रुपए आपसे होने चाहिए आपके पास में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में जाते जाते आपको मैं एक बार फिर से समाप्त कराना चाहूँगा कि अगर आप APS सर्विस देना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होने चाहिए। नंबर एक आता है जो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, दूसरा जो बात आता है एक आपके पास बायोमेट्रिक मशीन यानी फिंगर प्रिंट मशीन होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताया है, बहुत ही मतलब डिटेल में आपको बताया है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि जो भी कस्टमर पैसा विड्रॉल करेंगे उनको उतना पैसा आपको देना है। तो अगर आपका एक शुरुआती कदम है तो आपके पास मिनिमम 20,000 रुपये होने चाहिए, कोशिश कीजिएगा। नहीं तो अगर आपके पास पैसे कम रहेंगे आप बार बार अकाउंट मतलब बैंक का आपको दौड़ना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एक नए अन्य वीडियो में नए अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।